आज कैसे आए आप? हम लोग अभी आज आए हैं सपना दीदी के घर में निमंत्रण पत्र देने, अयोध्या से जो आया भगवान राम जी का, कि अयोध्या राम मंदिर तैयार हो गया है, आप लोग आओ दर्शन के लिए। और ये जो अक्षित चावल है ये इनकी झोली में डाल। जय श्री राम। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को, राम राम गाइस। आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी काफी अच्छा हूँ। और गाइस सबको पता है कि मैंने 45 डेज का चैलेंज लिया और आज मेरा है 12 डेज मेरे डेली लॉगिंग का, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे डेली लॉगिंग करते हुए। तो देखो साथ में मान इसी बैठे हुए हैं, सुबह सुबह लगे हुए खाने, देख रहे हो ये मैं खा रही हूँ, हेल्दी राइट खा रही हूँ, दलिया। ओहो दलिया, दलिया नहीं है, दिस इज नॉट दलिया, दिस इज। तो गाइस फिलहाल सुबह सुबह मॉर्निंग उठ चुके हैं, आज काफी ठंडा है और आज घर पे गेस्ट आने वाले हैं। मंच कौन आने वाला? आज कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, मम्मा जी के स्पेशल गेस्ट। मम्मा जी किचन में लगे हुए हैं सुबह सुबह, जल्दी आना। आज फ्रेंडे आ रही है तो वो इसलिए आज कुछ स्पेशल कर रही है, देखते हैं बाद में आपको बताते हैं साथ में क्या कर। गोभी की खुशी में काट रहे हो? ऐसे ही हमने आज छोटा सा प्रोग्राम रखने लगे हैं। क्या प्रोग्राम रखा हुआ? देखते हैं, देखो आज क्या होता है क्या नहीं होता। तब बनाएगा कौन? ताई बनाएगी? ताई बनाएगी, पकड़ ताई। ताई ने बनाने हैं, मैंने नहीं बनाने हैं, मैं तो उधर ताई बनाने वाली है। पकौड़े देखो भाई, ताई घर पे आई, ताई ने उल निकाल दिया, मतलब मम्मी लगा नहीं रही थी, मम्मी का बिल बढ़ाता। टिप टॉप साफ सफाई करती है और नीचे बिठा दी गद्दे गुद्दे। अभी मम्मी ने दूचा भी कट लिया बारह, नहीं इन्हें कटा ही नहीं बार। है देखो अभी कितनी साफ सफाई कर दी, नीचे गद्दे गुद्दे बिठा दी, ये चेक करो। सही है सही है, ऐसे में कब से बोलता हूँ मम्मा लीचर निकालो, तो नहीं बाहर कटना है। आई करते गेस्ट क्या आ रहे थे ये देखो, मम्मा की फ्रेंड आ रही है इसलिए। आज है क्या वैसे? ओहो तू ब्लोर से कहीं कली कली। अभी तो आया था मैं साजन के घर पे, साजन की अम्मा ने दिया टोलकी, एक्चुअली मम्मा कह रही टोलकी लिया, टोलकी भी जाएंगे हम गाना बजाना भी करेंगे, उस कारण से मैं चलो ले आता हूँ टोलकी का। ये टोलकी आपने बजानी है? तो वो गाने ना नहीं कुनी आती। चलो अब नहीं आई, बड़े खुश हो अब आई, मम्मी बड़ी खुश है। गाइस क्या चेक कर, भगवान जी आ रहे हैं, उस कारण से मम्मी जी बहुत ज्यादा खुश है, मैं भी टूट जा रहा हूँ। गर्मी ना गाइस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, पकोड़े समोसे सब कुछ बना हुआ है। मैंने क्या किया, गर्म गर्म निकाले पकोड़े, देन आराम से खाते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या बनता है। पहले अपने पकोड़े खा लेते, मम्मी को नहीं पता, पता वो डांटेगी, बोलेंगे मैंने रखे हुए तू पहले खा गया, तो मैं सोच पहले खा लेता हूँ, बाद में देखे ब्लॉग में कोई टेंशन नहीं है, कल पढ़ेंगे काली, कोई टेंशन नहीं, आज नहीं पढ़ने नहीं आज। ये कुछ बन रहा है गाइस, देख रहे हो ये क्या बना रहे हो आप? ये बन रहा है स्वास्तिक। स्वास्तिक बना रहे हो? वाह अच्छा बनेगा ना फूलों के साथ। फिर रुको रुको, हाँ जी कैसे कराया, कुत्ते लिए उसे आपको क्या भी हुई रहे बोलो श्री। चलो हाँ ताई हाड़ी बेस्ती रोड़ी नहीं नहीं मम्मी ने आप पूछे क्यों करी आई आई या श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय
आज कैसे आए आप? जी आज हम आए हैं सपना दीदी के घर में। ये अयोध्या जी से जो निमंत्रण पत्र आया भगवान राम जी का और अक्षित आए हैं, जे आए थे वेद मंदिर अम्फला में, तो वहाँ से फिर जितने भी कलश थे श्रीनगर कारगिल लेह लद्दाख जितने भी जिले हैं हर जिले में एक एक ये कलश लिया है। तो आगे ये संघ वालों ने बोला हुआ है कि कोई भी देश का कोई घर कोई गांव का कोई बच्चा अगर रहना नहीं चाहिए इस निमंत्रण पत्र के वजह से। तो हम लोग अभी आज आए हैं सपना दीदी के घर में निमंत्रण पत्र देने अयोध्या से जो आया भगवान राम जी का कि अयोध्या राम मंदिर तैयार हो गया है, आप लोग आओ दर्शन के लिए। और ये जो अक्षित चावल हैं ये इनकी झोली में डाले हैं जी। अक्षित चावल एक्चुअली जाने थे अयोध्या में ही कि वहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है उसके बीच में आहुति देनी है, कभी भी जाओ जब भी जाओ साल में जाओ छः महीने में जाओ, लेकिन फिर सोचा कि ये अक्षित चावल जो है इनकी नराधरी नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे बाबा जी ने मंदिर से उन्होंने बोला हुआ है कि जो भी श्रद्धा होगी उस यज्ञ में डालने के लिए उनके साथ ये अक्षित वापिस मंदिर में भेजने हैं। आप सभी घर पे जा रहे हो जितने हर घर में कोई सारे बोलो हर जो सभी जा रहे हैं हमारी तरफ से कोई भी घर छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही हमने कोई छोड़ा और सबने बड़े आदर सम्मान के साथ ये अक्षित हमसे लिए। जय श्री राम मातरम। प्रभु श्री राम जी 500 बरस के बाद अपने घर लौट रहे हैं अयोध्या, और हम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उनका मंदिर बनते हुए। सीरियसली गाइस, और 22 जनवरी को उनका उद्घाटन है मंदिर में और वो तब प्रवेश हो जाएंगे हमारे राम जी अपने अयोध्या में, तो आप सब भी इन्वाइटेड हो। तो गाइस जैसे ही हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं ना, और वैसे ही अभी हमने 22 जनवरी सेलिब्रेट करना है काफ़ी धूमधाम से। दीपावली में हम पटाखे लाते हैं, पूजा करते हैं, दिया स्पेशली दिया हमारे दिया है हम दिया जलाते हैं ना। तो सीरियसली गाइस आप सब भी अपने अपने घर पे दिया जलाओ, पटाखे उठाओ, धूमधाम से सेलिब्रेट करो काफ़ी ज़्यादा। और हम तो कोशिश ये करेंगे जाने की प्रभु श्री राम जी के मंदिर में, अगर हो सके तो आप भी जाओ प्लीज़ गाइस प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है। हमारे राम जी 500 बरस के बाद आ रहे हैं अयोध्या में, बहुत बड़ी बात है, और हम भी इतने किस्मत वाले हैं हम उनका मंदिर देख रहे हैं बनते हुए भी। गाइस बाइक अपनी लगी है कोर स्टार्ट पे, जैसे चेक करे गाइस देख रहे हो, और बाहर चेक करो क्या मस्त वाला वेदर है यार। सीरियसली कुछ दिन से ऐसा ही वेदर है, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं थोड़ा सा मौसम का एंजॉय करने, बाइक लेके निकलते हैं थोड़ी राउंड वगैरह लगाते हैं और इस मौसम में एंजॉय करते हैं और ठंड महसूस करते हैं कि कितनी ठंड पड़ रही है। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, अच्छी सी लोकेशन पर जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ठंड लगी, और मन्ना भी बोले यार ठंड काफ़ी है। इधर तो अपने हाथों में हो चुका है पोपड़ गाइस देख रहे हो, ये चेक करो फिंगर्स कितनी रेड हो चुकी हैं, ठंडी थी ज़्यादा, ठंड का फील लेने आए थे और फील ही हमारा यहाँ पे ही निकल गया, इतनी ठंड पड़ रही है। सीरियसली गाइस सीरियसली ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बाइक पे कुछ ज़्यादा ठंड लगती है, गाड़ी में तो लगती नहीं ना, गाड़ी में फील नहीं आता। अभी जा रहे हैं कोई अच्छी सी लोकेशन पे जहाँ पे कभी डालेंगे रील। हाँ मंडे का बना के कुकड़ बन गया, कुकड़ तू कोई बात नहीं है क्या, और बना के कुकड़ का सारी जगह जाम, सो मच ट्रैफिक। आ गए हैं इस लोकेशन के लिए, आए गाइस इतनी दूर से, इतनी ठंड में बात काफी ज्यादा रेड हो चुके हैं, एकदम सुन नहीं होता, सुन हाँ सुन हो गया, काम नहीं कर रहे। तो किसने बोला था वो? ये मेरे भाई ने बोला, तो मैंने बोला था मेरे। अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए और बाहर भी अंधेरा हो चुका है, और काफी अच्छी अच्छी हमने रील्स वगैरह बना ली है, लग रही है इसको ठंड लगती है 24 घंटे ठंड लग रही है, ठंड तो है गाइस काफी ज्यादा फिलहाल। तो बाइक पे जाओ फिर भी जाओ, वो देखो बाइक बाइक पे जाओ तो ठंड, गाड़ी पे जाओ तो जाम, सो मच ट्रैफिक, लोग बड़े हो गए। तो देखिए मेट्रो यहाँ से आ गई है और इतनी ट्रैफिक, और नहीं तो क्या, जम्मू में इतनी ट्रैफिक है भाई, तो बाहर क्या हाल होगा। बाइक अपने बाहर ही कर दी है पार्क हमने, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है दोस्तों यार, और ऊपर से मैंने बाइक ले गया काफ़ी ठंड थी, तो बाइक बाहर से पार्क की है मैंने, जिम जाना है तो सोचा कौन गाड़ी निकाले आज, आज बाइक लेके ही चलेंगे जिम। इंट्रोड्यूस माय डैडी। अच्छा डैडी का नाम क्या है? पिंकी।
सही है, ठीक है जी। पिंकी जी, पिंकी की टैडी, पिंकी ये भी पिंकी। तो हम इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, एक्चुअली जिम जाने के लेट हो रहे हैं तभी लोग यहाँ पे एंड करते हैं। हम मिलते हैं पैर से ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कुछ नहीं करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। हम मिलते हैं पैर से ब्लॉग में। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।